अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है लोग खारिज में बात करेंगे स्प्रिंग कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में और अब तक की कुछ अहम मालूम, जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं वैसे वैसे शेयर करते जाएंगे। आज 25 फरवरी 2021 जुमे रात का दिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शुरू हो चुकी है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर, उसके अलावा आरओपी के, उसके अलावा सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट, उनके डायरेक्टर जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब तक की अपडेट्स हैं वो यही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानब से कहा गया कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि वॉयलेशन जो हैं लोग वो भी तवातर से कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि पिछले 2020 में जब से कोविड-19 वुहान में शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक जो 800 के करीब जो लोग हैं वो उन्होंने वॉयलेशन की है, जिनमें बहुत सारों को डिपोर्ट भी किया गया, बहुत सारे जुर्माने भी किए गए हैं। 800 में से 396 लोग जो हैं वो मानी थे, 394 जो हैं वो खारजी थे, इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं। इसके अलावा एक बड़ी अजीब सी खबर आ गई बीच में कि मस्कत को जो है ना दुनिया में 14वां नंबर है एक सेफ सिटी और रहाइश के लिहाज से, यानी खारजी पसंद करते हैं मस्कत में रहना, उसमें एक दर्जा दिया गया मस्कत को कि जी मस्कत 14वें नंबर पर दुनिया में, जबकि अरब में पहले नंबर पर है जहाँ पर खारजी लोग जो हैं बड़े हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके मतलब एक डिटेल वीडियो बनाएंगे तो के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू जो हैं वो भी शेयर करेंगे। उसके अलावा आज के कोरोना केसेस, आज ओमान में 288 कोरोना केस रिपोर्ट हुए और 4 वफात हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओमान में कोरोना केसेस की कुल तादाद 140,588 हो चुकी है, 140,588 हो चुकी है, और वफात पाने वालों की कुल तादाद 1,562 है, जबकि सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 131,684 है। जैसे मजीद अपडेट्स आती हैं क्वारंटाइन के हवाले से, क्वारंटाइन के हवाले से यही है कि लोग बहुत ज़्यादा अभी भी वॉयलेशन कर रहे हैं। जब से होटल क्वारंटाइन मैंडेटरी किया है, फेक जो है वो बना के ले आते हैं अपने मुल्क में जो है एयरपोर्ट, वहाँ से तो इजीली जो है ना वो छोड़ देते हैं जब बुकिंग देखेंगे, क्योंकि वेरीफाई नहीं करते। मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर आके इवन वो भी दिखा के निकल जाते हैं, लेकिन बाद में घर चले जाते हैं। कोशिश करें कि अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा ख्याल रखें, और कोई भी चीप होटल जो है वो उसका अंदर बंदोबस्त करें। हो सकता है मजीद ये भी कि फैमिलीज़ को जो है घरों में रहने की इजाज़त दे दी जाए। जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है मजीद अपडेट्स आती हैं। एक्चुअली क्या है कि अरेबिक में है तो ट्रांसलेशन भी थोड़ी हार्ड है हमारे लिए, क्योंकि अरेबिक इतनी अच्छी नहीं है हमारी, तो जैसे मजीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।